हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड द चैप्टर दैट वी वर स्टडीइंग वाज, जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका नाम है चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग ठीक है, इसका हमें पार्ट 4 डिस्कस करना है। ठीक है, तो पार्ट 4 डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक इस चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, ये चीज पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो दिस चैप्टर वाज व्हाट इज द लॉ। ठीक है, लॉ क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है, दैट वी हैड डिस्कस फर्स्टली इन दिस वीडियो। सबसे पहले इस चैप्टर में लॉ पढ़े थे कि लॉ होता क्या है। ठीक है, सो लॉ इज अ law is a synonym of rules that is made for betterment of a country in various aspects, ठीक है, कई सारे एरियाज में, ठीक है, सही करने के लिए या उनको और अच्छा बनाने के लिए कई सारे ऐसे नियमों का नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनका पालन कराया जाता है ताकि वो काम अच्छे से हो सके। ठीक है, टू प्रोवाइड अ प्रॉपर पाथ टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेड, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज लॉज। ठीक है, उन्हीं को लॉज की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड स्पेशली फॉर द for various aspects, ठीक है, एक proper path provide करने के लिए अगर तुम्हें कोई जमीन लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता follow करना पड़ेगा, कौन से rules को follow करना पड़ेगा, ठीक है, these are considered the category of law, ठीक है, इसको हम law की category में रखते हैं, ठीक, इसके बाद हमने इस chapter में पढ़ा था, why is law important, इसके बाद हमने पढ़ा था importance of laws, importance of laws, ठीक है, हमारी कंट्री में लॉज क्यों चाहिए, why it is important to have laws, या उन rules regulations की क्या आवश्यकता हमारे देश में है। ठीक है, इसके लिए हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारे देश में लॉज की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो ये है, टू प्रोवाइड प्रॉपर पाथ टू एवरी सिटीजन for performing any task, is, ठीक है, हमारे देश के सिटीजन्स को, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए एक परफेक्ट रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है,
और उनको कोई भी रूल तोड़ना ना पड़े, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिस्ट किए गए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से वो कोई भी काम कर सके, ठीक है। इसलिए नियमों को बनाना और नियमों की आवश्यकता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द रूल्स प्रोवाइड द राइट पाथ। सेकेंड थिंग, वी विल बी रिस्पेक्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स वी विल बी डूइंग एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस है, लॉस प्रोवाइड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म without any kind of stoppages to any work, ठीक है। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो हमें जरूरी होता है, ठीक है। तो लॉस में वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंसेस दैट आर लिस्टेड बाय आवर लॉ। हमें लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बेसिकली हम इस तरह से जान सकते हैं, ठीक। आफ्टर दिस द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इज to maintain harmony within the people, maintain harmony within the people of country so that they can live in peace, ठीक है। हमारी कंट्री के लोग शांति और सुखी से रह सके, ठीक है, और उनके बीच में किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो, ठीक है। असुविधाएं का मतलब क्या होता है, डिसहार्मनी क्रिएट ना हो, ठीक है। जैसे हमारे सोसाइटी में कई बार क्या होता है, जब पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के मैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो लोग आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं, they start to argue and that argument rises to conflict, ठीक है। इस तरह से हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो बढ़ जाती है और इसी की वजह से हमारे देश में फिर डिसहार्मनी क्रिएट होती है और फिर आगे चल के लड़ाइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं लड़ाइयों से, ठीक है, बचाने के लिए देश को, ठीक है, टू स्टॉप दीज डिसहार्मनी इन आवर कंट्री, ठीक है, टू स्टॉप एंड टू अवॉइड दीज डिसहार्मनी इन दिस इन आवर कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर्स एंड मेक्स लॉज, ठीक है। लॉज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे देश में हार्मनी मेंटेन रहे हो, ठीक है। So, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है, और जो तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी वो ये थी कि वेयर आर द लॉज मेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो नियम बनते हैं वो नियम कहां बनाए जाते हैं। So these were the conditions on the basis which the laws were important in our country, ठीक है। Laws को इसीलिए important हमारे देश में consider किया गया क्योंकि laws के बिना हमारे देश में problems और ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। Daily to daily हमारे देश में जो problems थी, ठीक है, whatever was the condition, it began from worst to worst, ठीक है। वर्ष से वर्ष हो रही, मतलब कि बद से बदतर, ठीक है। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या लॉ सबके लिए इक्वल होता है, इज द
लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय गवर्नमेंट इक्वल फॉर ऑल। क्या सबके लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो इक्वल होते हैं? ठीक है, सो इसका आंसर है यस। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया की हम बात करते हैं तो हर किसी के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन देन द लॉज, यस द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट इज इक्वल फॉर ऑल whether he belongs to any caste, comma class, comma religion, or any richer family also, ठीक है? So जो laws बनाए जाते हैं government के लिए के द्वारा, ठीक है, public के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो हर किसी के लिए इक्वली सूटेड होते हैं, ठीक है, द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट इज इक्वली सूटेड और इक्वल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारे देश में चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी क्लास का हो, ठीक है, लोअर अपर मिडिल होता है ना, ठीक है, तो इन किसी भी क्लासेस में से किसी को भी बिलोंग करे, ठीक है, आफ्टर दैट ही इज ऑफ एनी क्लास कास्ट रिलीजन, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे देश में कि कोई हिंदू धर्म का है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो मुस्लिम धर्म का है उसको सजा मिल जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी काइंड ऑफ वे, ओके, सो बेसिकली एनी इंडिविजुअल हु हैज कमिटेड एनी क्राइम और कमिटेड एनी मिस्टेक ही हैज टू बी पनिश्ड और ही हैज टू फॉलो ऑल द रूल्स मेड बाय आवर गवर्नमेंट इशूड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, whether he belong to any caste, class, religion or richer family, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे वो कितने ही अमीर खानदान से बिलोंग करे, he is not able to get away from the laws, ठीक है, उसे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज दीज लॉज आर ट्रीटेड इक्वली अमंगस्ट each and every sort of people, ठीक है, जितने भी लोग हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है, उन हर तरह के लोगों के लिए ये rules जो है वो equally treat किए जाते हैं, ठीक है, they are equally suited for any kind of individual present in our country and due to that these rules are suited for everyone and to be followed by everyone, ठीक है, so the laws issued by the government for public interest is equal for all, ठीक है, so this is better understood by an example, एक example लेके चलते हैं, ठीक है, तो example basically ये है कि एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ी family का, ठीक है, एक लड़का होता है, ठीक है, so उसने कुछ crime कर दिया होता है, ठीक है, तो crime करने के बाद वो घर पे आता है अपने family member से कहता है कि मैंने ये crime कर दिया है, ठीक है, और उसके पापा बहुत ऊंची पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है, और उनके पास बहुत सारा पैसा भी होता है, ठीक है, so he says to his father that father please save me from getting the punishment because you belong to a higher class, you are having a higher position in the government and society and as well as you are having a lot of money, ठीक है, so his father says that I am not going to save you because the rules and the punishment issued by the government in public interest is equal for all, ठीक है, so his father takes his son to the police and he was then punished by the police officials, ठीक है, तो basically होता क्या है कि वो अपने पापा से जाके कहता है कि
पापा मैंने ये क्राइम किया, ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, ठीक है, और प्लीज आप मुझे बचा लीजिए क्योंकि आप एक बहुत अच्छी फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप गवर्नमेंट ऑफिशियल में बहुत हाई पोजिशन में, ठीक है। सो उसके पापा ये कहते हैं कि जो भी नियम बनाए गए हैं हमारे देश में, हमारी कंट्री में, ठीक है, वो नियम हर किसी के लिए बराबर के बराबर लागू होते हैं, ठीक है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो किसी गरीब का बेटा हो, चाहे वो किसी भी कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है, सारे नियम इक्वली फॉलो होने चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का, ठीक है। सो बाय सेइंग दीज वर्ड्स, ठीक है, इन सब बातों को कहने के बाद उनके पिताजी ने, उस लड़के के पिताजी ने पुलिस वालों को बुलाया, ठीक है, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड पनिशमेंट थी उसको दिलवाई, ठीक है। सो इस चीजों से ये समझ में आता है कि लोगों की मेंटालिटी कितनी अच्छी है लॉस को लेकर, ठीक है, कि दैट दे थिंक दैट इवन अ रिचर फैमिली मेंबर इज आल्सो हैज टू फॉलो द रूल्स दैट आर इशूड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी नियम बनाए गए हैं वो हर किसी को फॉलो करना कितना जरूरी है, ठीक है। The law may not be discriminated between the person on the basis of their religion, caste or gender. ठीक है, धर्म, जाति या फिर gender के नाम पे rules को बांटा नहीं जा सकता। जितना वो rules एक male के लिए है उतना ही वो rules important है female के लिए भी है। जितना important वो upper caste के लिए है, ठीक है, उतना ही important वो lower caste के लिए भी है, ठीक है। जितना important वो अपर क्लास के लिए है उतना इंपॉर्टेंट वो लोअर क्लास के लिए भी है। बोथ ऑफ द सेक्शंस, ऑल ऑफ द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी हैज टू फॉलो ऑल द रूल्स दैट आर मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सो वी व्हाट द रूल ऑफ द लॉ मींस इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, ठीक है। हमारे देश का हर एक इंडिविजुअल उस रूल्स को फॉलो करने का जरूरत है, ठीक है, हर किसी को वो रूल्स फॉलो करने ही कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भी रूल्स के ऊपर नहीं जा सकता। नो वन कैन बी अबव द लॉ, ठीक है, हर किसी को रूल्स के आगे सिमिलरली ट्रीट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो चाहे वो बहुत छोटा आदमी हो, ठीक है। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of our country is above the law. Any crime or violation of the law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. But was it always like this? ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि हमारे देश की government, ठीक है, government, ठीक है, चाहे president हो और अ वेल्दी पर्सन, और वेल्दी पर्सन इज ऑल्सो ट्रीटेड इक्वली अमंग द लॉ, ठीक है, नियम के सामने, ठीक है, चाहे वो एक बहुत अमीर आदमी हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वली अमंग द रूल्स, ठीक है। इफ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इज कमिटेड बाय एनी वन ऑफ the society, any of the aspect of the society, ठीक है, they will be provided the equal punishment that is considered in our law, in our constitution, ठीक है, हमारे constitution में जो भी उसके लिए सजाएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है, किसी भी mistake के लिए, उन उस process को follow करके उस punishment को हर किसी को देने का अधिकार है, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई अमीर आदमी, ठीक है। There is a, any crime or violation of the law has a specific punishment, ठीक है, किसी भी क्राइम का या फिर नियम को तोड़ने का एक प्रॉपर पनिशमेंट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। As well as the process through which the guilt of the person has to be established, ठीक है, और एक ऐसा प्रोसेस भी लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू उस इंसान की कन्विक्शन या जो भी गलती उसने की है उसको साबित करके उसको पनिशमेंट देने का नियम है, ठीक है। तो जो भी चीजें इस बुक में, इस पैराग्राफ में मैंने बताई है, ठीक है, क्या हमेशा से हमारे देश में ऐसा होता आया, ठीक है, क्या सबको बराबर का पनिशमेंट मिलता है? मैंने बताया कि ठीक है, हर किसी के लिए नियम एक बराबर है, नियम को फॉलो करने के लिए पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, लेकिन क्या हमारे देश में, क्या हमारी कंट्री में ऐसा किया जाता है?
is there this these rules that are made for public interest followed by each and every individual of our country? ठीक है, क्या हमारे देश के हर उन नागरिकों के द्वारा, ठीक है, हर नियम जो पब्लिक इंटरेस्ट में बनाए गए हैं वो फॉलो किए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ तक कि उनको रिक्वायर्ड पनिशमेंट भी नहीं मिलती है किसी भी क्राइम को करने। ठीक है, डेफिनेटली ये भी होता है कि जो अमीर आदमी है वो पैसे देकर के या रिश्वत खिला करके बच जाते हैं। ठीक है, बट समटाइम्स इन सम एरियाज ऑफ आवर गवर्नमेंट देयर आर रूल्स दैट आर स्टिल फॉलोड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां पे आज भी नियमों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल्स पीपल आर पनिश्ड आल्सो। ठीक है, लोगों को उन नियमों के हिसाब से पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इननुमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। ठीक है, हमारे पुराने जमाने के भारत में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम थे जो बनाए गए थे छोटे छोटे। ठीक है, different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws. ठीक है, हर laws को हर अलग-अलग communities के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, but जब हम modern India की बात करते हैं तो modern India में सबके लिए equal laws बनाए गए। ठीक है, everyone is treated equally among the laws. ठीक है, तो पहले के जमाने में क्या था कि कई सारे धर्म ऐसे थे, कई सारी communities ऐसी थी जिनको अलग-अलग तरीके से treat किया जाता था, उनको उनके लिए अलग अलग लॉज और रूल्स बनाए गए। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, ठीक है, देन द लॉज आर मेड इक्वली फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, हर किसी के लिए बराबर के नियमों का प्राविधान है। ठीक है, प्रावधान क्यों है भाई? क्योंकि हर किसी को नियम के आगे इक्वल माना जाता है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या क्लास से बिलोंग करें। ठीक है, इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड। दिस स्लोली बिगन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या था कि कास्ट के, रिलीजन के और क्लासेस के बेसिस पे नियम जो थे वो अलग अलग बनाए गए। ठीक है, अगर मानते हैं कि कोई तीन लोगों ने क्राइम किया है, ठीक है, सिमिलर क्राइम, ठीक है, लेकिन जो पनिशमेंट है, ठीक है, पनिशमेंट वो वैरी करती थी अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड दे बिलोंग। ठीक है, अगर कोई अपर कास्ट का है, ठीक है, इफ एनी पर्सन इज बिलोंगिंग टू द अपर कास्ट सोसाइटी ऑफ और द अपर क्लासेस ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट कम दिया जाता। ठीक है, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे या लोअर क्लासेस के लोग थे, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हार्शली पेनलाइज किया जाता। पेनलाइज का मतलब उनके ऊपर जो पनिशमेंट थी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उनको दी जाती थी। ठीक है, दे वर हार्शली पनिश्ड। तो बेसिकली ये होता कब था? जब हमारे देश में कॉलोनियल रूल था। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे उस टाइम भी ये सारे नियम चलते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, द पेनाल्टी और द पनिशमेंट वैरीड बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो जो भी पनिशमेंट थी वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में वैरी करती थी। ठीक है, चाहे वो क्लासेस के बेसिस पे हो या फिर कास्ट के बेसिस पे। क्लासेस एंड कास्ट। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि during the colonial period, the punishment varied, the punishment for a crime varied for the individuals that varied for the individuals on the basis of
कास्ट कॉमा क्लास कॉमा कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी एंड बैकग्राउंड्स, ठीक है, बैकग्राउंड्स के बेसिस पे भी रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो द लॉ मेड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट वैरीड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्लास कैटेगरी एंड द बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लासेस के बेसिस पे अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स हमारे देश में थे, ठीक है। दिस स्लोली बिगन टू चेंज, धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलोनियल पीरियड हमारे देश में आने लगा, ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम चेंज होने लगा, दिस स्टार्टेड टू स्टॉप इन आवर सोसाइटी, ठीक है, हमारे देश में बाद में इन सब चीजों की कमी होने लगी, ठीक है। आफ्टर दिस इट इज ऑफन बिलीव दैट इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, लॉ बनाने का जो नियम है, ठीक है, जो रूल्स हम बनाते हैं उनका, उनकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने इंडिया में की थी। दे स्टार्टेड टू बिगन, दे बिगन टू मेक द लॉज व्हेन दे केम इनटू इंडिया, ठीक है, जब हमारे देश में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल शुरू हो गया, ठीक है, उन्होंने नियम बनाने हमारे देश में शुरू किए, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ व्हिच इंक्लूड, फर्स्ट that colonial law was arbitrary and the second that Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere in British India, ठीक है। So basically ऐसा बहुत सारे historians के बीच में ये हमेशा लड़ाई चलती रहती है, ठीक है, कि British ने नियम बनाना शुरू किए या फिर भारत देश के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने नियम बनाना शुरू किया, ठीक है। So basically the dispute is between ठीक है, तो पहला क्या है, पहले लोगों का मानना यह है कि ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ मेकिंग लॉज इन आवर कंट्री, ठीक है। पहले लोग ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए, ठीक है, तो उन्होंने ही हमारे देश में नियम बनाने का जो शुरुआत था वो ब्रिटिशर्स ने किया था। बट सम ऑफ द पीपल से दैट इंडियन लीडर्स प्ले अ प्रोमिनेंट रोल for establishment of rules in our country, हमारे देश में जो नियम बनाने का शुरुआत है वो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भारत देश के जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, या फिर जो उस टाइम के लीडर्स थे उन लोगों ने इसको इनिशिएट किया था, ठीक है। द लीडर्स दैट वर इन पावर इन एंशिएंट इंडिया मेड द रूल ऑफ मेकिंग लॉज, ठीक है। तो बेसिकली लोगों का दो अलग अलग तरीके की लोगों की सोच है, विचारधारा है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि इट वॉज द ब्रिटिशर्स हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ मेकिंग लॉज एंड दे अबॉलिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन आवर सोसाइटी, हमारे देश में उस टाइम पे कोई भी नियम नहीं बनते थे, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है, तो उन्होंने ही हमारे देश को नियम बनाना सिखाया था, ठीक है, उन्होंने ही हमारे देश में संसद भवन बनाया, राष्ट्रपति भवन बनाए, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स दैट दे मेड, ठीक है, दे स्टार्टेड टू मेक लॉज, स्टार्टेड टू मेक रूल्स ऑन व्हिच दे यूज्ड टू गवर्न ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है।
उन्होंने ही नियम बनाने की शुरुआत की जिसके बेसिस पे वो भारत के लोगों पे राज्य किया करते थे, ठीक है। सो दिस इज द टू मेजर डिफरेंसेस ऑफ द टॉपिक्स ऑन व्हिच आवर हिस्टोरियंस हैड अ डिस्प्यूट, ठीक है। उनके बीच में ये हमेशा मतभेद रहा है कि किसने नियम बनाने की शुरुआत की, ठीक है। One example of the arbitrariness that continued to exist as a part of British law is Sedition Act of 1870. Okay? The idea of section was broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं नियम बनाने की शुरुआत की, ठीक है? तो नियम बनाने की शुरुआत का एक ऐसा example मिलता है, ठीक है? कि Britishers ने उसको बनाना शुरू किया, ठीक है? तो इस चीज का एग्जांपल है सेडिशन एक्ट 1870, ठीक है। सेडिशन एक्ट 1870, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल और एक्ट, Any individual found criticizing the British government will be arrested and liable for proper punishment without any ट्रायल, ठीक है। बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी ट्रायल की इंक्वायरी के, ठीक है, किसी भी ऐसे इंडिविजुअल गिरफ्तार और पनिश किया जा सकता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, ठीक है। एवरीवन एनी इंडिविजुअल हु इज फाउंड क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्लेमिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट और स्पीकिंग द फॉल्स वर्ड्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड बी अरेस्टेड एंड लायबल फॉर पनिशमेंट, ठीक है, इफ विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी टाइप की पूछताछ के, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल हमारे देश का ब्रिटिश गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको बिना किसी टाइप की इंक्वायरी के सीधे अरेस्ट करने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को है, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द ओनली एग्जाम्पल दैट शोज दैट Britishers started the rule of making laws in India, ठीक है। इसके बाद this was all about today's lecture, okay? Hope you gained some knowledge from this lecture and now we will be discussing about the homework, okay? So homework is what do you think who started making of rules, ठीक है, Britishers और Indians, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है, कि इन दोनों में से किसने सबसे पहले नियम बनाने की शुरुआत की थी अकॉर्डिंग टू योर ओन व्यू, ठीक है। And you will tell that how Britishers were making the rules. अगर आपको लगता है कि Britishers ने बनाना शुरू किया तो आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है? और आपको लगता है कि Indians ने बनाना शुरू किया तो आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है? If you have any kind of third idea in your mind, then you can also mention it, okay? So, complete your homework and thank you for watching this lecture, okay?